अब देखो ये गिरा था, मुझे मिला है। हो गया। क्या हो गया, ये क्या था? फाइल भी ठीक है, खाया क्या आज? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरमान, फाइल एंड कृतिका, परसों फिर से ड्रिप चढ़नी है। कैनुला क्यों नहीं हटाया? ना टाइम थोड़ी लगता भाई, और आज मुझे करवाएगी। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और शाम के बज गए 4:30। मैं और पायल निकल रहे अभी हॉस्पिटल के लिए। इसका आज एक अल्ट्रासाउंड भी कराना है और आज इसको ड्रिप भी चढ़नी है। तो कल की रिपोर्ट में ना मेरे खून की जो मात्रा है, मतलब खून की कमी आई है। पहले था 10.5, अभी हो गया 9.3, और कम हो गया। तो डॉक्टर ने बोला आज मुझे आयरन की ड्रिप चढ़ेंगी 2.5 घंटे, ताकि जो ब्लड की कमी है ना वो थोड़ी बहुत पूरी हो सके, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे ब्लड ज्यादा निकलता है, तो मेरे को कमी ना हो जाए ऑपरेशन के टाइम पे। इसलिए डॉक्टर आज 2.5 घंटे तक मुझे ड्रिप चढ़ाएगी। तो गोलू संभालेंगे घर के बच्चों को, और मैं और पाल निकल रहे हैं। आ जाओ पाल, चलो जी। बैठ के भी, बैठ के आप भी पी लो, आपका भी रखा है। तो मैं तो ऐसे ही रेडी होके खड़ा हूँ जैसे कि मैं गोवा जा रहा हूँ। और मेरा देखो ना, ये पहले ना वन पी, ये जो ड्रेस है ना पूरा नीचे से टच होता था, अब पेट इतना हो गया ना, ये थोड़ा आगे से ऊपर हो गया है। तो पाल से मैं ये पूछ रहा हूँ कि बच्चे होने के बाद पहला टूर आप कहाँ का लगाना पसंद करोगे? बच्चों के साथ तो टूर लग ही नहीं पाएगा मेरा। फिर भी कहाँ जाने? बच्चों के साथ मैं जाना चाहूंगी ठंडी जगह पे। ओहो देखो, ऐसी चीजें हमारी खोती है नीचे गिर गिर के। टावल देखो गिरा हुआ है नीचे। मेरे साथ ही होता कुटू, जब भी घर का कोई सामान गिरता है ना, कोई टावल टूल, वो मुझे ही दिखता है और मेरे को ही मिलता है। अब देखो ये गिरा था, मुझे मिला है। तो गाइस कल हमारे प्रिय मित्र, हमारे भाई, बड़े भाई सफी भाई आ रहे, और वेट है बस उनकी। सफी भाई आ रहे कल? कल सफी भाई, आपने बताया नहीं हमें। मैं बस सोच रहा था कि सरप्राइज हूँ। अच्छा, कल पहुँच जाएंगे हमारे भाई, तो फुल मस्ती करने वाले। उनके साथ एक अलग ही फील आती है, बड़े भाई वाली। अब तो जिम ऊपर ही है, आपने तो फुल, मुझे लग रहा है 2-3 घंटे जिम में ही रहना है। हाँ, वो वर्कआउट तो करेगा ही। वर्कआउट भैया कराते, इतना प्यारा है। तो सफी भाई जब तक रहेंगे यहाँ पे, जब तक पायल की डिलीवरी नहीं हो जाती, यानी कि 1 दिन हो या 10 दिन हो, जब तक वो यहीं पे है। तो फाइनली गाइस हम उसी रूम में पहुंचे हैं जहाँ पे जायद हुआ था, और पायल को लगेंगे 4-5 घंटे। पायल कितनी देर लग सकती है? अच्छा सुनो, ये रूम ना मैंने बोला कि हमें लगा गेट बंद है तो रूम बिजी होगा, मैंने कहा नहीं, ये रूम हमने आपके लिए खाली रखा है, चाहे आप 10 दिन बाद आओ, चाहे तुम 15 दिन बाद आओ, ये रूम आपको खाली मिलेगा। अभी तो उसकी गई नहीं, अब जाएगी, पता लग जाएगा। मैं देख ही नहीं रही उस तरफ, शक्ल से पता लग जाएगा मुझे। हाँ हो गया? नहीं हुआ अभी, शक्ल बता दे। हो गया। क्या हो गया, ये क्या था? पता चला जो हो गया, ऐसे नहीं बोलते, बच्चा हो गया। तो भैया फाइनली जग्गा चाय बना के लाया है। क्या बात है, जग्गा किसी शादी से लाया है? कब तो वहीं के लग रहे मुझे। नहीं नहीं भाई, ये नए खरीदे मैंने आज ही। जी जी। तो यहाँ पे एक दुकान खुलवा दूं तेरी? नहीं नहीं, आपके साथ ठीक हूँ, ये तो पार्ट टाइम है। कुछ सिरंज में से खून डाल रहे थे। खून नहीं बेटा, ये आयरन होता है, इससे ना तेरा जो 2-4 दिन में ना थोड़ा सा खून की चीजें बढ़ेंगी, जिससे कल को प्रेगनेंसी में दिक्कत ना आए, और खून जो लॉस हुए ना वो दोबारा जल्दी बन जाए। हाँ, मेरा ब्लड कितना कम हुआ है? 10.5 था, 9.3 हो गया, अपने आप कम हो गया। चिंता हो गया, शायद 2 बेबीज की वजह से हो गया। मूवमेंट की वजह से आवाज चेंज हो जाती है ना। मैं ये कह रही हूँ आयरन की गोलियां तो मैं खाती हूँ, लेकिन उससे नहीं हो रहा ना। गाँव में शादी होती ना, घर पे दाही आती है, हॉस्पिटल में तेरे को -1% लेके जाते। गवर्नमेंट तो लेके जाते, इतनी बार नहीं लेके जाते। इतनी बार नहीं लेके जाते, जितनी बार हम आते इतनी बार नहीं लेके जाते। वो ऐसे दाई को बुला के ऐसे पेट में हाथ फिरवा के बता देते। अच्छा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है ना। तो ये 20 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ गाइस, तो बुरा मत मानना। 20-25 साल पुरानी बातें हैं कि हम जब, मैं जब पैदा हुआ था, या फिर आप लोग भी जब पैदा हुए थे, मैं भी जब पैदा हुआ तकरीबन क्या था ना, कि तकरीबन लोग दाई को बुलाते थे और दाई बोलते ठीक है, तो छोटे मोटे दर्द पेन लेना देना तो घर में निपटा देते थे, कि ये पानी पी लो, वो पानी पी लो, है ना। ये बात सही है बिल्कुल। अब हम देखो, हम 6 बहन भाई हैं, मैं 4 बहनें 2 भाई, सारे घर पे हुए, A to Z घर पे हुए, दाई नहीं करे पैदा, कोई भी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। तो गाइस अभी फाइनली टाइसन भाई पहुंचे हैं, और हमेशा ही जब भी घर में खुशी हो, फिर कुछ भी, इस आदमी को पता लग जाता है, हर चीज़ अपडेट रखता है, स्टोरी हो, इंस्टाग्राम हो। तो उसी टाइम ऑफिस से छुट्टी लेके पहुंच गया घर पे, और कल हमारी बेटी का बर्थडे तो काव्या का बर्थडे है, तो कल शायद हम घर पे पहुंचेंगे, या फिर काव्या को यहीं बुलाऊंगा, क्योंकि अगर इसको पूरी फैमिली के साथ बनाना तो यहाँ आगे, क्योंकि गोलू और पाल जा नहीं सकते। तो अगर ये मुझे अकेले बुलाएगा तो फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बोल वो कर लेंगे जैसे भी मैनेज होएगा।
के टाइम के हिसाब से। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। ईद मुबारक आपको, आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत फैमिली की तरफ से ईद मुबारक आप, आपको भी बहुत सारी, और यूट्यूब फैमिली को भी, और पायल को भी। आज आई एम मिसिंग दी गोलू। अब मुझे सबके नाम पता चल गए। हाँ जी मैडम, क्या रिपोर्ट है? बच्चे तो एक्टिव हैं, पायल भी ठीक है। खाया क्या आज पे, क्या बनाया? ईद पे हमारी माँ थी जो अभी सेवियां लेके आई थी, और सुबह सुबह इसने बहुत सारे फ्रूट खाए, जूस पिया है, नारियल पानी पी के आई है। मतलब हेल्दी खाना, मतलब इतना अच्छा पति दुनिया में शायद मैं आई हूँ, तो उसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। कोई नहीं, हम अरमान को आई थिंक आई कैन पुट क्या कहते हैं मेडल, कि अरमान हमारा पूरी केयर करता है। हाँ बिल्कुल। देखो मैडम, जिंदगी में जब आपको बुढ़ापा आ जाएगा ना, तब आपको याद आएगा कि हाँ जो हमारी बीबियाँ थी हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या होता है ना, अभी हम बहक जाते हैं लड़ाई के लिए। सारे यूट्यूब फैमिली को भी सुनना चाहिए कि पतियों को बीवियों की केयर करनी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल करनी चाहिए। अगर कोई इंसान अपना घर छोड़ गया होता है तो आपकी जरूर केयर करना बनता है। लड़ाई झगड़े देखो हर किसी घर में होते हैं, पर इतना वो तो जरूरी है। देखो अब बच्चे होंगे, भाई बहनों को भी तो झगड़ेंगे, वो तो देखो ब्लड में, पर केयर करना बहुत जरूरी है। क्या जरूरत है समय पे जब प्रेगनेंसी है, एंड केयर जो है ना, कहते हैं ना एक काम करो और पुण्य बहुत सारा मिल रहा है। यू आर टेकिंग केयर ऑफ वन वुमन एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स इन थ्री पीपल। बीबी भी खुश है, बच्चों की भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। चलो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है ये 5 तारीख को प्रेगनेंसी करेगी, चीकू का जन्मदिन है उस दिन। ऐसा ना हो जाए। आई थिंक सारे बच्चों का क्या पता, मन हो इकट्ठे आने का, जो कुदरत का हुक्म होगा वो सबको मंजूर होगा। इमोशनल होगी मेरी बातों से। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर बेटा, इतना अच्छा पति नहीं मिलता, मुझे पता है, पर इमोशनल होने किसने का, इतनी प्यारी बीवियां भी नहीं मिलती। अच्छा देखो, इसने शुरू से दो बता रखे कि हाँ नहीं मिलती, वाकई में नहीं मिलती, मेरी किस्मत है, हकीकत है, किस्मत तो है, किस्मत है भाई, सही बात है। रो मत, चुप हो जा। रो नहीं रही हूँ ये मैं, और क्या था ये वो इमोशनल हुई है। अच्छा आंसू आने की कोशिश कर रहे थे पर मैं रुक गया। अच्छा एक बात और, इसने कोई व्रत भी नहीं रखे थे मेरे लिए, मैं इसको ऐसे ही मिल गया। आपने रखे थे मेरे लिए? मैंने रखे थे। कौन से रखे थे? मैंने वो रखे थे, याद नहीं है नाम उन वर्तों का। अभी एक मिनट देखो, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और इधर एक अरमान। बताओ तो फिर आप बताओ क्या कि जेंट्स को व्रत रखने चाहिए या लेडीज? जेंट्स को रखने चाहिए, क्योंकि जो औरत होती है ना, सुबह उठ के खाना पीना, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो हम सो रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं भूख लगी कुछ खाना है, तो बीवी ना एक मिनट में खड़ी होकर खाना बनाने लग जाती है। तो शायद मुझे लगता है -1% ऐसे पति होते हैं कि बीवी जब बोले कि मेरे सिर में दर्द है, तो वो बोले कि मैं खड़ा होता हूँ चाय बना। आजकल तो बनाते हैं पति, -1% बोला ना, -1% ठीक है। बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जब हम कहाँ पर होते हैं तो हमारे किचन से खाना लेके आती है, पराठे लेके आती है, और लेके आती है बीवियों को खिला के, बहुत आनंद मिलता है, बिल्कुल मजा आता है जब पति कहते हैं ना बड़ा मजा। नहीं नहीं मैं वही तारीफ सुनने के लिए हम ठंड में उड़ जाते हैं और खाना बना के खिलाते हैं। मुझे लग रहा है बीवी एज अ मदर होती है, अगर कोई ध्यान दे समझे तो, कि दुनिया है अपनी अपनी सोच है, कईयों को गुलाम लगती है, कईयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती, कईयों को जिम्मेवारियां नहीं लगती, तो दुनिया है, हम कुछ नहीं बोलते। मेन आर फ्रॉम वीनस, वुमेन आर फ्रॉम मार्स। मेन एंड वुमेन आर मेंट टू बी डिफरेंट एंड दे आर मेंट टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो हियर आई एम सीइंग अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अरमान पायल एंड कृतिका। इवन आई एंजॉय दिस कपल, दे आर एन एपिटोम ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ना बहुत सारी टीएलसी चाहिए, सो बहुत सारी टीएलसी मिलती है इन तीनों के आपस में बीच में। चलो जी प्यार है आप लोगों का। चलो मैम आप खा के आओ। तो पायल की तकरीबन तबीयत बिल्कुल ओके है, तो अभी बस बीपी चेक कर रहे हैं इसका। अभी भी वैसे ठीक ही होगा, जब पति तंग करता है ना, थोड़ी ऊपर पति अगर तंग करता है तब जाके बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी इतना अच्छा पति मिलने वाला मुझे लगता है बीपी बढ़ेगा। तो फिर मेरा खून भी कम नहीं होना चाहिए था? वो तो बेटा तूने खुद कम करा है, क्योंकि तूने मेरा खून पिया नहीं ना बहुत दिनों से, इसलिए इसलिए कम हुआ, क्योंकि ट्विंस की नीड ज्यादा हो जाती है, और थोड़ा सा गला वाला भी खराब रहा ना, तबीयत भी डाउन रही, खांसी कितने दिन तंग कर रही। कुछ लोग हमें ये बोलते हैं कि तुम्हारा ना घर का हॉस्पिटल है, तुम ना कंटेंट के लिए पायल को हॉस्पिटल लेके चले जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, बताओ ऐसा कुछ है? मुझे एक बात बताओ कि जिस लेडी ट्विंस हो और साथ में इतनी सारी और भी प्रॉब्लम्स हो, वही है कहना मान के अभी तक कंटिन्यू कर रही, अदरवाइज जो बाकी बहुत सारी लेडीज होती हैं जो जिद करके जल्दी से टाइम से पहले भी डिलीवरी करवा लेते हैं, सो ये उसका हौसला है, अप्रिसिएट करो ना, कि इसलिए कि उसको ऐसे घुमाने के लिए ले आते हैं हॉस्पिटल। और वो ड्रिप कैसे लगवा लेगी वीडियोस के लिए? नहीं वीडियोस के लिए वो प्रिक भी करवा लेगी, इंजेक्शन लगवा लेगी। अच्छा ये अभी कल नहीं, इसमें लगे करना नहीं है।
तो कल भी आना, मुझे कल भी इसी में लगेगा ना, तो ये हटाना नहीं है। तो अभी अभी हॉस्पिटल में ना एक साथ में कोई लेडी है और पायल की बहुत बड़ी फैन है, तो उसको ड्रिप चढ़ रही है, तो उनकी माँ आई है और बोली कि ड्रिप उतरवा के पायल से मिलना चाहती है। तो मैंने बोला पायल बिल्कुल ठीक है, मैं पायल को लेके आता हूँ, ड्रिप मत उतरवा, है ना, मैं चलती हूँ, मेरा हो गया ना ड्रिप का, पायल से एक बार चेक करा लो फिर चलती हूँ। एक तो पहले ही मेरा 9.3 खून है, ऊपर से खून निकाल निकाल के मेरा खून ही खत्म करेंगे बॉडी का। तो पायल की हिम्मत है, कम से कम मुझे लग रहा है इसने 500-700 बार टीके लगवा लिए जब से प्रेग्नेंट हुई है, भगवान की कसम, पता नहीं कितने टीके लगवा लिए, कितने टेस्ट करवा लिए, मतलब हद है यार पायल, मजाक नहीं। अब दर्द नहीं होता, पहले दर्द होता, मर्द को दर्द नहीं होता। 1 किलो खून निकल गया है, 4-5 बॉटल भरेंगे, देखना मुझे आइसक्रीम खिला देना, ठीक है। तो गाइस शेनुला मेरा हटाया नहीं है क्योंकि कल फिर से मुझे ड्रिप चढ़नी है, परसों फिर से ड्रिप चढ़नी है और मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भी जाना है। तो डॉक्टर मैम ना अभी मुझे कॉल करेंगी, नुपुर मैम, और बताएंगी कि कल मेरा अल्ट्रासाउंड हो सकता है कि नहीं, क्योंकि संडे को ना डॉक्टर साहब बैठते नहीं है, पर पता नहीं शायद बैठे ना बैठे, तो अभी फोन करके बताएंगी। कैनुला क्यों नहीं हटाया, कल फिर से लगाएंगे ना, क्यों 3 दिन लगातार लगेगा, तो ये तो फिर सूजन आ जाएगी, इसमें हटवा दियो कल उसके बाद। नहीं नहीं मैं 3 दिन तक कर लूंगी, चला लूंगी। जैसे किसी करेगी कर मेरे साथ भी, ये तो कैनो लगाए थे, कहते तुम घर ले जाओ, मैंने बोलता उतारो उतारो, डर नहीं हो रहा। पापा क्या गिफ्ट लाए, कुछ चटपटा, चटपटा खाने का, हाँ, कुछ समथिंग जंक। पापा पता नहीं शायद ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे, नीचे है पापा। मेरा वो कब आएगा स्कूल का, वो क्या स्कूल का, वो कितना टाइम लगा से ड्रिप चढ़ने में, मैंने देखा था वीडियो में लाल लाल था वो, हाँ आयरन था ना। अच्छा मुझे लग आयरन चढ़ा है, आयरन की कमी से खून कम होता है, तो आयरन चढ़ा है मुझे, बॉटल नहीं चढ़ी खून की, खून की बॉटल नहीं चढ़ी, आयरन चढ़ा है, आयरन के सेल्स, तो कह रहे हैं अब खून बन जाएगा बॉडी में। चल 3 दिन चलेगा, कुछ तो बनेगा, 9 कम से कम, 10 से ऊपर 11 तो हो जाए। कल अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, मैम फोन करेगी तेरे को ना। तो गाइस अभी अभी घर पहुंचे हैं और चीकू कह रहा पापा मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊंगा, वाला दे दे यार, बहुत दिन हो गए गिफ्ट नहीं, आ जा आ जा फटाफट आ जा, जल्दी आ जा यार, इतना टाइम थोड़ी लगता भाई, चला जाऊं फिर मैं साइड में चला जाऊं कहीं, साइड में ले ले, क्या गिफ्ट लेके आया, मेरे को नहीं बताया, कुछ चटपटा लेके आया है, चटपटा कुछ चटपटा, कुछ बाहर का खर्च। अच्छा आ जाओ आ जाओ, पापा आंखें बंद करो, आंखें बंद है, हाथ आगे करो, ले लो मेरे लिए, इतनी सेवा क्यों की तूने मेरी, ले पाल मैं तेरे को दे रहा हूं, मैं तो खाती नहीं हुई। अच्छा आपका फेवरेट है ना ये क्रिस्प, आप क्रिस्प खाती हो ना। तो गाइस इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ जिम में आके बैठ के ना, खिड़कियां खोल रखी इन्होंने, तो इतनी प्यारी हवा चल रही है ना ऊपर छत पे, साथ में साथ चीकू के पापा और चीकू एक साथ वर्कआउट कर रहे हैं, दोनों बाप बेटे को वर्कआउट करते हुए ना देख के अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी अभी पायल भी पहुंच गई है ऊपर, क्योंकि पायल का दिल नहीं लग रहा था नीचे, उसको थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, गर्मी लग रही थी, तो ऊपर बहुत ही कमाल का वेदर है, तो अभी मैं करने वाला हूँ शोल्डर का वर्कआउट, बहुत ही खतरनाक, और आज मुझे करवाएगी पायल, मैं कराऊंगी, मैं इनकी आज के ट्रेनर हूँ। कह रहे हैं फिर शुरू, चलो थक तो नहीं गई, थकी तो नीचे चलिए, मैं तो बैठ के करवाऊंगी, मुझे थोड़ी करना है आपके साथ, ठीक है। पापा आप बोल रहे थे चेस्ट का वर्कआउट करवाओगे मुझे, नहीं नहीं शोल्डर करेंगे, ठीक है ठीक है, शोल्डर का करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बॉडी को वार्म करना बहुत जरूरी है, तो अभी दोनों जो फादर और सन कर रहे हैं वार्म अप हल्के हल्के वेट के साथ, देख सकते हो आप, चीकू को सिखा रहे हैं चीकू के पापा फ्लाई डंबल। देखो मेरे हाथ, देखो कैसे मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं, हाथ देखना चीकू, देखने से सीखता है, बताने से और देखने से, देखो कहाँ जा रहे हैं, सांस लो और छोड़ो, अगर मुंह बंद रखोगे तो फिर फायदा नहीं है एक्सरसाइज का, इतना ऊपर नहीं देखो, हाथ देखो मेरा कहाँ है, पायल ने जितना वर्कआउट कराना था करा लिया, तो लड़की जा रही है नीचे, हैं मेरी आंखों से पानी आ रहा है, पता नहीं क्यों, नींद आ रही है, ठंडी हवा चल रही है ना, हाँ नींद आ रही है, चलो मैं जा रही हूँ वर्कआउट करके आ रही हूँ, चल ठीक है आता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी करने वाली है निष्ठा डंबल फ्लाई, और साथ के साथ आ गई है कृतिका मलिक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, तो बस सोचती हूँ मैं जिम में आके थोड़ा चक्कर लगा लूँ कौन एक्सरसाइज सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, इन सबको एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की जरूरत है जो कि मैं हूँ। अभी आप ओपनिंग में आए थे बस? हाँ मैं ओपनिंग के बाद एक बार बीच में आई थी एक्सरसाइज चेक करने की, यार मान जी सही से कर रहे कि नहीं कर रहे, आज फिर आई हूँ मैं देखने। स्लो कर, स्लो नीचे स्लो आंधे, सामने 20 हो गए। तो गाइस मैं नीचे इतना बोर हो जाती हूँ ना, क्योंकि पूरा दिन घर पर रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं निकलती हूँ, तो मैंने सोचा है काम करा करूंगी, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट ना ऊपर आया करूंगी, थोड़ी फ्रेश हवा भी खाऊंगी, और साथ ही साथ निष्ठा को, चीकू के पापा को और चीकू को एक्सरसाइज भी कराऊंगी। तो अभी निष्ठा को करवाने जा रही हूँ जंपिंग जैक्स, उसके 3 सेट होंगे 15 ईच के, और चीकू के पापा का हो रहा है शोल्डर डंबल प्रेस, तो अभी मैं इनको भी एक्सरसाइज कराऊंगी। 1 5 9 10
जब ना कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, पीछे से उनको मोटिवेट करते हैं ना, तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और चीकू भी कर रहा है यहाँ पे फुल ट्रेडमिल। और भैया कितना हो गया चीकू का ट्रेडमिल? 20 मिनट। ओ माय गॉड चीकू 20 मिनट, वाह भाई वाह, इसकी कैपेसिटी बच्चे की बढ़ गई है। और ये एज में ना ट्रेडमिल सही रहता है, क्योंकि बच्चा पूरा दिन घर पे रहता है, थोड़ा वॉक करेगा ना सही भी रहेगा। तो गाइज वो LFT की जो रिपोर्ट है ना खराब आई ना, उसकी वजह से पूरी बॉडी में बहुत इचिंग चल रही है, तो डॉक्टर ने ना एट्रेक्स मुझे बोला था लगाने के लिए, बस वही लगा रही हूँ। और बस इसके साथ ही ये व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।